स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा दसवीं के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से डाउट यहाँ पे छात्रों के कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स का एक ही डाउट है कि सर परीक्षा कैंसिल हो गई है या नहीं हुई है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो किस आधार पर बनेगा और रिजल्ट जो फाइनली बनेगा कक्षा दसवीं का वो किस प्रकार से बनेगा, क्या कक्षा दसवीं को जनरल प्रमोशन मिलेगा अगर दसवीं के विद्यार्थी के एग्ज़ाम हो गए या नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी कुछ जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं MP बोर्ड परीक्षा 2021 के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका डाउट आता है दोस्तों, क्या दसवीं के पेपर कैंसिल हो गए हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल दिखा चुका हूँ, शिक्षा मंत्री का ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट दिखा चुका हूँ, आपके दसवीं के पेपर फाइनली कैंसिल हो चुके हैं, आपके दसवीं के पेपर नहीं होंगे, आपको बिना पेपर के पास किया जाएगा। मतलब दोस्तों, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था, आपको घबराना नहीं है, कि छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, जनरल प्रमोशन छात्रों को इसलिए नहीं दिया जाता ताकि वो अपने आगामी क्लास में अगर कहीं दूसरे स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड में स्विच कर रहे हैं MP बोर्ड से, तो दोस्तों आपको एडमिशन लेने में तकलीफ ना हो। मतलब कि आपको अगर जनरल प्रमोशन दिया जाता है तो उसमें ऑलरेडी पास लिखा जाता है, लेकिन अगर आपको आंतरिक मूल्यांकन दिया जाता है। इस लॉकडाउन के टाइम में जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके जरिए आप दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को एक शार्प एज दे सकते हैं। ये दोस्तों कंपटीशन होगा मैथमेटिक्स और साइंस का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप अपना जो कंटेंट है वो रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, अपने सिलेबस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ढेर सारे प्राइज भी आप यहाँ पर जीत सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जैसे ये कॉम्पिटिशन होगा तो आप इसमें अपनी लाइव रैंकिंग, अपने लाइव मार्क्स लीडर बोर्ड में अपनी रैंकिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर ये एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इस कॉम्बैट का जो फॉर्मेट दोस्तों होगा, यहाँ पे 30 सुपर क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 60 मिनट दिया जाएगा, वीकली कॉम्बैट होगा, मतलब कि आपका हर एक संडे में यहाँ पे एग्जाम होगा। अब आने वाले 16 तारीख को यहाँ पे आपका कॉम्बैट है, उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, मेरा जो रेफरल कोड है, मेरा रेफरल कोड है दोस्तों Study21। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ Study21 दोस्तों, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके मेरा Study21 कोड आप यूज़ करिएगा, आपको फ्री में सारा का सारा मटेरियल एक्सेस हो जाएगा। दोस्तों, इसमें नेगेटिव स्कोरिंग भी है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन दे दोगे तो बेस्ट एडुकेटर्स द्वारा आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लाइव कॉम्बैट है, आपको जो पता है कि लाइव रैंकिंग भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे क्या होगा कि अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके कॉन्सेप्ट है, उसके एप्लीकेशन को अपना टेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे ढेर सारे प्राइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 से 3 लोग को अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, 4 से 10 वालों को 75% मिलेगा ऑफ मिलेगा, और 11 से 50 वाली रैंक को 50% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, 51 से 300 वाली रैंक को 25% मिलेगा। तो आप जल्दी कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाइएगा। स्टडी बड़े बड़े लेटर में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, Study21 पे जाइएगा, फ्री में एनरोल कीजिएगा। और दोस्तों, 16 तारीख को आने वाले संडे में आपका यहाँ पे लाइव टेस्ट यहाँ पे चलेगा, तो उसमें आपकी परसेंटेज बनती है। इसलिए दोस्तों, कक्षा दसवीं के पेपर कैंसिल हो गए हैं और आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से पास किया जाएगा। उसमें दोस्तों बड़ी बात है कि सब पास हो गए क्या? जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऑफिशियल यहाँ पे, एक मतलब कि ऑफिशियल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने कल वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि फाइनली दोस्तों सबको पास किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सारे के सारे विद्यार्थी पास हो गए। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, विद्यार्थियों की जो टेंशन का सबब बना हुआ है कि रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, सारी की सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट कैसे बनेगा गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूलों का और प्राइवेट विद्यार्थियों का, तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट के संज्ञान में, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर रिजल्ट को लेकर हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो है कि दोस्तों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और आपका रिवीजन टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, इनके आधार पे आपका यहाँ पर रिजल्ट तैयार हो सकता है गवर्नमेंट के स्कूल का।
दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है इनके पास में, आपके 3 साल का जो पिछला रिजल्ट है, अगर मान के चलो कि किसी विद्यार्थी ने अर्धवार्षिक या रिवीजन टेस्ट नहीं दिए, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, वो आएगी आपकी 7वीं, 8वीं और 9वीं। ठीक है दोस्तों, तीनों कक्षाओं का यहाँ पे रिजल्ट देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनेगी। इन केस दोस्तों यहाँ पे 9वीं के सब्जेक्ट में आप अगर फेल हो तो आपको 33% दे के पास कर दिया जाएगा। तो ये तो बात थी गवर्नमेंट स्कूल की। सेम नियम दोस्तों लागू होता है प्राइवेट वालों छात्रों के साथ में। प्राइवेट वाले छात्र भी दोस्तों इसी की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी अगर उनमें क्या होगा 7वीं, 8वीं, 9वीं, मतलब कि उसमें क्या क्राइटेरिया बोला होगा 7वीं, 8वीं और 9वीं, तीनों कक्षाओं का रिजल्ट सम्मिलित करके उनका रिजल्ट बनाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट छात्रों की, जो मतलब कि प्राइवेट छात्र होते हैं उनके केस में क्या होगा। अब मैं बताता हूँ प्राइवेट छात्रों की क्या होगी दोस्तों। इस केस में दोस्तों दो ऑप्शन निकल के आते हैं प्राइवेट छात्रों के लिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इनके केस में होगा, जैसे कोविड की कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, इनको हो सकता है कि जनरल प्रमोशन डायरेक्टली दे दी जाए, क्योंकि 7वीं, 8वीं, 9वीं का रिजल्ट इनके लिए कहाँ से लेके आएगा। 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा, 9वार्षिक परीक्षा होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये प्राइवेट छात्र होते हैं, इनका क्या होगा जनरल प्रमोशन। जी हाँ फ्रेंड, जनरल प्रमोशन दे सकते हैं। दूसरी चीज़ इन पर हो सकती है कि अगर कोविड की जो मतलब कोविड की जो सिचुएशन अगर ठीक होती है तो इनको क्या करेंगे एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। वरना दोस्तों इनको 99% है कि जनरल प्रमोशन यहाँ पे प्राइवेट वाले विद्यार्थियों को मिल सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ही नहीं दोस्तों कि इन केस अगर कोई विद्यार्थी मेधावी है, वो पिछले 1 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, ऐसे में उस छात्र को चिंता ये है कि मेरी परसेंटेज डाउन ना हो जाए, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेपर तो हो गए, अगर आप यहाँ पे पेपर देना चाहते हैं, अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हैं, तो आपके एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। उसमें आपको चॉइस रहेगी कि मतलब कि आप पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जैसी कोविड सिचुएशन हो सकती है, आप मानता है कि आपके परसेंटेज डाउन है, तो आप परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आप अपने पेपर दे सकते हैं, और आपके जो मार्क्स है उसी पेपर के जुड़ेंगे जिस पेपर में आपका अगर जनरल प्रमोशन में ज़्यादा होगा तो उसके जुड़ेंगे, नहीं तो दोस्तों अगर आपका जो आपके एग्ज़ाम दे के आए हो उसके ज़्यादा है तो वो जुड़ेंगे, मतलब कि उसी के मार्क्स जुड़ेंगे जिस परीक्षा में आपके ज़्यादा मार्क्स है, चाहे वो आपने दिए हो या फिर वो आपको बिना परीक्षा के मार्क्स मिले हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट मैंने यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।